नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइथा। लगता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के अब शौक महंगे होते जा रहे हैं। अन्ना के आंदोलन के सहारे पहले राजनीति और फिर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के नेता अब 20 लाख की गाड़ी में सवारी करेंगे। इस 20 लखिया गाड़ी में सवार होते ही नेताजी केजरीवाल की सरकार में सबसे महंगी गाड़ी में चलने वाले मंत्री बन जाएंगे। हमेशा अपनी वैगनार कार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद एक और आम नेता इन दिनों अपनी कार को लेकर चर्चा में है। फर्क सिर्फ इतना है कि केजरीवाल जहां सस्ती कार के इस्तेमाल के लिए सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं आज उन्हीं के जूनियर यानी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया महंगी गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर सुर्खियों में छाए हैं। खबर है कि अभी तक पहले की शीला दीक्षित सरकार की गाड़ी से चलने वाले मनीष सिसोदिया अब 20 लाख की लग्जरी जीप कंपस की सवारी करेंगे। अमेरिकन ब्रांड की गाड़ी कंपस की खरीदारी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। उम्मीद है मंगलवार तक मनीष सिसोदिया को ये 20 लखिया गाड़ी मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने 17 जुलाई को इस अमेरिकन ब्रांड गाड़ी की खरीदारी की है। 19,91,600 रुपए की इस कंपस जीप में एयर कंडीशन से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम तक मौजूद है। हीटर, सीट बेल्ट वार्निंग, म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, यूएसबी सपोर्ट, स्पीकर्स, सीडी डीवीडी प्लेयर्स, पैसेंजर एयरबैग व सेंट्रल लॉकिंग समेत 3 दर्जन से अधिक फीचर्स इस कंपस जीप में शामिल हैं।